शो आप सबसे पहले स्नैपमिंट एप्लीकेशन को अपडेट करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से फर्स्ट इसका यूजर इंटरफेस शो होगा। अपने को अमेजन का गिफ्ट वाउचर क्रिएट करना है तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। यही मिलेगा अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। आप इन सारे वेबसाइट का गिफ्ट वाउचर आप यहीं से इजीली वन क्लिक के अंदर क्रिएट कर पाओगे। वीडियो में अमेजन का हम वाउचर को क्रिएट करेंगे तो आप अमेजन पे टैप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर में दिखाएगा शॉप अप टू 10,000, मतलब आप 10,000 तक वाउचर यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ यू कैन यूज पे वाउचर टू शॉप ऑन अमेजन। अगर आपको अमेजन पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बाई करनी है तो आप नीचे वाले लंच अमेजन पर टैप करके आप यहीं से रिडायरेक्ट हो जाओगे अमेजन के एप्लीकेशन में। बट अपने को वाउचर क्रिएट करना है सिंपल सा, यहाँ पे इस बॉक्स को अंदर आपको अमाउंट को फिल करनी होगी कि इतने अमाउंट का आपको वाउचर चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अमाउंट को फिल कर लिया, अब हम यहाँ पे CEMI प्लान पे टैप करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आप उस ऑप्शंस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको EMI जनरेट हो जाएगा कि आप इस वाउचर का जो EMI है आप कितने महीने का लेना चाहते हैं, 2 महीने का, 4 महीने का। यहाँ पे 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यहां पे देखिए बाई ऑन 2 मंथ पे क्लिक करेंगे तो यहां आपसे कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। लेकिन वही आप मतलब 4 महीने का EMI लोगे तो फिर यहां आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा जो कि यहां पे मेंशन नहीं। आप इस पर टाइप करोगे तो आगे आपको सारे टर्म एंड कंडीशन दिखा दी जाएगी। जैसा कि मुझे यहां पे 2 महीने का ही चाहिए तो मुझे 1 महीने का जो EMI बनेगा वो 1525 रुपये का बनेगा। तो मतलब हम इसको 2 बार में दे के इसको पूरा कर सकते हैं 3050 रुपये का। तो आपको सिंपल सा बाई ऑन 2 मंथ पे क्लिक करना है। आपको देखना है कि आप कौन सा लेने के लिए एलिजिबल हो, आप उसी को चूज़ करना। जैसा कि मैं 2 महीने का लेना चाह रहा था तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया। अब रिडायरेक्ट कर दी जाएगी आपके नेक्स्ट पेज पर। यहाँ उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन जो होंगे, यहाँ पे देखिए डाउन पेमेंट 0 दिखा रहा है। आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करना है और ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा EMI देनी है। मतलब जितना आप बैलेंस ले रहे हैं उसी को 2 महीने में आपको पे करना होगा। सिंपल आप कन्फर्म ऑर्डर पे टैप करेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स वेट कीजिएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। आप जैसे ही कन्फर्म ऑर्डर पे टैप करेंगे यहाँ पे दिखा रहा है यू हैव अप्रूव योर वाउचर परचेज, योर वाउचर हैज बीन सेंड टू। और यहाँ पे एक मेरा ईमेल शो होगा जो कि मेरा रजिस्टर ईमेल है। आपका भी रजिस्टर ईमेल यहाँ पे शो होगा। प्लीज़ गेट इन टच ऑन अस केयर यहाँ पे snapmint.com यहाँ पे आपको मेल आएगी और गो टू माई ऑर्डर पे आपको सिंपल सा टैप करना है। मैं सारा कुछ बताऊंगा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑर्डर का सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा ORDER ID, अमेजन और ORDER ID। यहाँ पे सारा कुछ दिखाएगा कितने का ऑर्डर है, जैसा कि 3050 रुपये का ऑर्डर है। अब ये मिलेगा कहाँ वाउचर, सिंपल यहाँ से आपको बैक कर लेनी है। और बैक करने के बाद आपको अपने जो ईमेल वहाँ पे शो हो रहा था ना वही ईमेल को ओपन करना है। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। आप जब रजिस्टर ईमेल को फ्रेंड्स ओपन करेंगे तो यहाँ स्नैपमिंट की तरफ से आपको 2 मेल आएंगे। चलिए हम पहले मेल को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अमेजन हैज बीन प्रोसीड, यहाँ पे ऑर्डर का मेल है, इसको यहाँ से स्किप कर देना। इस मेल को ओपन करेंगे यहाँ पे मिलेगा वाउचर लिंक फॉर योर परचेज विथ स्नैपमिंट। और यहाँ पे नीचे मिलेगा अवेलेबल वाउचर, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट करेगा ब्राउज़र के ऊपर, थोड़ी सी वेट करिएगा, आप स्किप मत करना। और यहाँ आपको मिलेगा क्लेम वाउचर, आप इस वाउचर को क्लेम कर लेना। यहाँ से क्लेम कर लेंगे तो क्लेम करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड दिखेगा। अभी मैं आपको सारा कुछ करके ही दिखाने वाला हूँ। देखिए यू विल रिसीव योर वाउचर इन मेल बॉक्स फ्रॉम अमेजन 30 मिनट्स। ये जो मेल है ये 30 मिनट्स तक वैलिड रहेगी। तो आपको एक बार बैक कर लेना यहाँ से, और बैक करके जब फिर से आप इस मेल के ऑप्शन पर आएंगे तो आपको रिफ्रेश करना है। अभी और भी आपको मेल आएंगे। देखिए यहाँ पे एक और मेल आया, हम इस मेल को यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाएगा कितने का वाउचर है, अमेजन का लोगो दिखेगा, गिफ्ट कार्ड शो होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड कोड दिखेगा और यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का नंबर दिखेगा। ठीक है, इसको सिंपल से आपको कॉपी कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये अच्छा इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद ये गिफ्ट कार्ड का जो कोड है ना इसको भी आपको कॉपी करना होगा, क्योंकि दोनों चीज़ आपको काम आएगी आगे। तब यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बैक कर लेना है। अब बैक करने के बाद आपको अमेजन को ओपन करना है। राइट, अमेजन एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे, देखिए इसको भी एक बार अपडेट कर लेना, बहुत लोग अमेजन को अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, अपडेट कर लेना है और पे वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ मिलेगा गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद यहाँ मिलेगा ऑप्शन ऐड गिफ्ट कार्ड, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ आपको गिफ्ट कार्ड का कोड इंटर करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। यहाँ से इसको हटा के हम उस गिफ्ट कार्ड का जो कोड को मैंने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस पे टैप करेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स लोडिंग लगा, वेट कीजिएगा। इस तरीके से अब देखिए थैंक यू, और यहाँ मेरा जो बैलेंस है यहाँ पे ऐड हो चुका है।
3,050 रुपये यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और बैक करके मैं आपको एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि हाँ सही में यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं अमेजन वॉलेट के अंदर, ताकि आप लोगों को अच्छे से बिलीव हो जाए। देखिए स्नैपमेंट से ना जनरेट करना वाउचर बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लाइव करके दिखाया। आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना, कहीं भी क्वेश्चन है कन्फ्यूजन आ जाए, अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप सिंपल स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट आप इस आईडी पर हमें मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इस पेज को यहाँ से बैक करके आपको और भी अच्छे से हम समझा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अमेजन पे बैलेंस 0 दिखा रहा, आप कन्फ्यूज मत होना, सिंपल उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिखाएगा गिफ्ट कार्ड 3,050 और अमेजन पे बैलेंस 3,050। अब आप इस बैलेंस से ना जो भी आपको काम करना है, पे करना है तो पे कर सकते हो, या रिचार्ज करना है तो आप रिचार्ज भी कर पाओगे, जो कि मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ रिचार्ज के लिए, और मैं ज़्यादा कुछ के लिए यूज़ नहीं करता हूँ, रिचार्ज और शॉपिंग के लिए ही मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्नैपमिंट का वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। जिस प्रोसेस से आप अमेजन का करोगे उसी प्रोसेस से आप फ्लिपकार्ट का भी कर पाओगे। हालांकि मैं फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।